बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलकुम आज मैं आपको कच्चे कीमे के कबाब बनाना सिखा रही हूँ ये बहुत ही क्विक बन जाते हैं और आप इसका मिक्सचर बनाकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और अपनी हस्बैंड ज़रूरत जब आपका जिल करे तो आप इसको निकाल के फ्राई भी कर सकते हैं तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने तकरीबन एक किलो कीमा ले लिया है इसके अलावा यहाँ पर मैं एक गट्टी हरा धनिया की डाल रही हूँ और एक साबत लहसन डालूंगी मैं ये पूरा इसको यूज़ करूँगी हरी मिर्ची तकीबन पाँच यूज़ कर रही हूँ ये आप अपने हसब ज़रूरत डाल सकते हैं आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम मिर्चें यूज़ करेंगे और जो प्याज़ है एक दरमिया साइज़ का यूज़ करूंगी इसको मैं अच्छे तरीके से धोकर कट करके ग्राइंड कर लूँगी पेस्ट बना लूंगी इसके अलावा यहाँ पर मैं मसालों में दो चाय का चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ एक चाय की चम्मच कयान मिर्च यूज़ कर रही हूँ ये आ, जो शिमला मिर्च होती है लंबी वाली उसकी ये किस्म होती है ये बहुत ही स्पाइसी होती है अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी बजाय आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं गर्म मसाला यूज़ कर रही हूँ एक चाय का चम्मच दो चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा एक चाय का चम्मच कुटावा धनिया एक चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर इसके अलावा एक चौथाई चाय का चम्मच अदरक पाउडर और एक चौथाई चाय का चम्मच लहसन पाउडर यूज़ कर रही हूँ लेकिन अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं बाकी मसाला आप पीस लीजिएगा और जब आप मसाला इसमें ऐड करें तो इस टाइम पर आप अदरक लहसन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर और यहाँ पर मैं अजवाइन यूज़ कर रही हूँ एक चौथाई चाय का चम्मच एक तेजपाक इसके अलावा यहाँ पर मैं पिपली यूज़ कर रही हूँ एक ये लंबी मिर्च होती है और जो अथेंटिक मसाला होता है कच्चे कीमे के कबाब का उसमें ये ज़रूर डलती है आप ये ज़रूर डालें अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें लेकिन इसके डालने से बिल्कुल अथेंटिक मसाला बनेगा ये आपको एशियन स्टोर से आसानी से मिल जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में एशियन कंट्रीज़ में हैं तो ये वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी मैं सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड uh, कर लूँगी फिर एक बार सब मसाले को डाल के इसका पाउडर सा बना लूँगी तो इन दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है ये देखिए मैंने जो सारा हरा मसाला था प्याज और लहसुन था जो हरा धनिया हरी मिर्ची वगैरह मैंने पीस के अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लिया तो ये जो पानी है ये मैंने निकाल दिया ये डिस्कार्ड कर दूँगी मैं और जो ये मसाला ये बीच में डाल दूँगी बिसमे और मान पानी आपने नहीं डालना वरना जो कबाब हैं फिर वो सही बनेंगे नहीं वो टूट जाएंगे और ये देखिए ये जो मैंने सारा जो ड्राई स्पाइसेस थे मैंने इसको पीस के कैसे पाउडर बना लिया है आप इसको डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में लेकर इसको आप पीस लें और इसको आप सेव कर सकते हैं और जब आप कबाब बनाएं तो फ़ौरन आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो तकरीबन एक किलो कबाब ये तकरीबन ये जो मसाला है सारे तीन खाने के चम्मच डलेगा तो इसको ऐड कर लेते हैं देखिए ये टेबल स्पून यूज़ होगा ये तकरीबन फिफ्टीन एम एल के बराबर है तो ये मैं डाल लूँगी बिस्मिल रहीम और ये थोड़ा सा जो बच गया है तो अगर तो आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप ये पूरा भी ऐड कर सकते हैं लेकिन साढ़े तीन खाने के चम्मच मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसके कबाब बना लूँगी आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं किसी भी साइज़ की छोटी या बड़ी तो मेरे पास ये कबाब प्रेस है तो मैं इसकी शेप के हिसाब से इतने चौड़ाई के हिसाब से मैं इसको बुनाऊंगी तो बिस्मान रहीम इसके नीचे मैंने ये प्लास्टिक का जो क्लिंग रख लिया है ताकि इसको निकालने में भी ईजी रहेगा और फिर इसी के अंदर हम इसको रैप कर देंगे ये देखें ये इसके साइज़ का हो गया अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे ही हम इसको जो एक्स्ट्रा इसी से इसको रैप कर लेंगे ऐसे ही मैं सब बना लूँगी इसी तरह और फिर मैं आपको दिखाती सारे कबाब बनाकर मैंने ऐसे क्लिंग में उसको रैप कर लिए हैं अब मैं इसको क्या करूँगी कि फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन दो घंटे के लिए ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ फिर हम इसको ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लेंगे ये देखिए तकरीबन दो घंटे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था अभी तकरीबन काफ़ी हद तक ये फ्रीज़ हो चुके हैं तो अब इसको हम जिप लॉक बैग में डाल के सेव कर लेंगे फ्रीज़र में इस तरह ये होता है आप थोड़ी देर इसको फ्रीजर में रख दें तो ये आप इसमें चिपकते नहीं है बहुत इजीली निकल जाएंगे जब आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आप आज की डेट लिख लें और बीफ कबाब्स इसको आप चाहें तो आप इसके बर्गर भी बना सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही फ्राई करके रायते और रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं अब जो कच्चे कीमे के कबाब है हम फ्राई कर लेंगे यहाँ पर मैंने ये जो मैंने फ्रीज किए हुए थे इसको निकालकर इसके ऊपर रख दूंगी इसको पहले मैं एक साइड से होने दूंगी उसके बाद जब एक साइड से थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी अब इसकी साइड में चेंज कर दूंगी तकरीबन दो से तीन मिनट हो गए हैं, तकरीबन बारह से पंद्रह मिनट हो गए और माशाल्लाह से कबाब हमारे रेडी हो गए हैं इस तरह मैं सब बना लूंगी और फिर मैं आपको सरफर ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब रेडी हैं जाने से पहले एक हदीस से पाक आपसे शेयर करती चलूं ये हदीस सही मुस्लिम से ली गई है हजरत अबू हुरैरा हरेरा अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन मर्द की ये शान नहीं कि अपनी मोमिना बीवी से बगज रखे अगर इसकी एक आदत इससे नापसंद होगी तो दूसरी पसंदीदा भी होगी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखियेगा जजाकल्ला खैर